हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी परमानेंट खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है। दिल्ली के जो चार सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर दोस्तों परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे आ गई है, जो कि एम्स दिल्ली करवाने वाला है नॉट सेट 2021 के थ्रू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि कितनी वैकेंसी है इन चार सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, साथ में ही नोट सेट 2021 का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, वो भी अपन इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर 18 एम्स को इंक्लूड किया गया है और चार सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया गया है। तो फाइनली जो चार सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपनी वैकेंट पोस्ट डिक्लेयर कर दी है, तो अपन इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल से जान लेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों, आपको ये लोगो आ जाएगा एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस का, और आपको देखिए नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। इसको आपको इस प्रकार से सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से सब्सक्राइब हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में आपको एक घंटी का निशान आता है, इस घंटी के निशान पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल पे प्रेस करना। किस पे प्रेस करना दोस्तों? ऑल पे प्रेस करना। ऑल पे प्रेस करने पे यहाँ दिखाई देता है यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन, यानी आप जो भी वीडियो हम डालेंगे आपको नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड या फिर नोट सेट से रिलेटेड कुछ भी, आपको सारी जो है वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलते हैं, इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते दोस्तों। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो है मैंने ऑफिशियल साइट ओपन कर रखी है, और यहाँ पे जो है इसके न्यूज एंड हाईलाइट वाले जो सेक्शन में अपन यहाँ पे जाएंगे दोस्तों। और जैसे अपन यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो इसका जो है न्यूज वाला सेक्शन वाला यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ दी पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इस पे जैसे अपन क्लिक करेंगे दोस्तों तो अपने पास ये पूरी पीडीएफ जो है ओपन हो जाती है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेडी हार्टेज हॉस्पिटल का ये पीडीएफ है, और जहाँ पे देख सकते हैं 16/10/2021 की डेटेड है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कौन कौन सा हॉस्पिटल है, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, ठीक है, सफदरगंज हॉस्पिटल, लेडी हेरिटेज मेडिकल कॉलेज एंड एसएम सुजीत कृपलानी हॉस्पिटल, और साथ में कलावती सारण चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स। ये चार सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जिनका एग्जाम एम्स दिल्ली करवाने वाला है नोट सेट के थ्रू। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी आ चुकी है। और दोस्तों, इनका पोस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 31 पोस्ट जो है डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर है, सफदरगंज हॉस्पिटल के अंदर 529 पोस्ट है, कलावती सारण हॉस्पिटल के अंदर 29, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर 89 पोस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो है लगभग जो है 680 के करीब टोटल पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। और दोस्तों, एम्स के अंदर अब आप मान लीजिए कितनी पोस्ट आने वाली है, तो बहुत ही बड़ी भर्ती यहाँ पे ये होने वाली है। ये एम्स न्यू दिल्ली ने जो नोट सेट के थ्रू जो रिक्रूटमेंट निकाला है उसका सेम वही है जो मैंने सुबह वीडियो के अंदर बताया था दोस्तों आपको, ठीक है। और ये जो है इन्होंने जो लेडी हार्टेज हॉस्पिटल की खुद की वेबसाइट पे डल गया है नोटिफिकेशन की, इसके अंदर इतनी इतनी पोस्टों के लिए जो है इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, ठीक है। ये सारा चीज़ एम्स नोट सेट का ही है जिसके अंदर मैं आपको मॉर्निंग में बता चुका हूँ। और चलिए इसकी वेबसाइट पे देख लेते हैं और क्या चीज़ें दे रखी थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में था कि सर कुछ और भी बता दीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो दोस्तों, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है इसको अपन एक बार देख लेते हैं, और इसके एडवर्टाइजमेंट में जैसे कि आप लोगों को कुछ कुछ डाउट्स था तो वो डाउट्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपको सैलरी की अपन बात करें तो इसके अंदर नॉर्थ साइड के अंदर आपको जो सैलरी मिलती है 44,900 आपका बेसिक रहता है, और 70,000 से 80,000 के बीच में आपकी सैलरी रहती है ग्रोस, 46 इसके अंदर ग्रेड पे रहेगा। खुशखबरी की बात यह है कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग दोनों ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, खाली जीएनएम वालों के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। साथ में बताना चाहूँगा दोस्तों, जो 18 एम्स के लिए एग्जाम होने वाला है नोट सेट का, उन्होंने अभी तक अपनी वैकेंट पोस्ट के बारे में जानकारी
नहीं दी है दोस्तों, जैसा कि ये सारे 18 एम्स है टोटल, उन 18 एम्स के अंदर अभी तक इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया है कि कितनी कितनी वेबसाइट में पोस्टें दे रखी है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ एम्स वेयर द नंबर ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर विल बी नोटिफाई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी आपको जो है जल्द ही अब जो एम्स है अलग अलग जो जगह के एम्स है जैसे कि बठिंडा भोपाल, ये सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी वेबसाइट पे कितनी पोस्ट इनके पास वैकेंट है सब लिस्ट डाल देंगे। उसके बाद में हम आपको और एक अलग वीडियो के अंदर बताएंगे कि कितने कितने कौन कौन से एम्स के अंदर कितनी कितनी पोस्ट आने वाली है। जिस प्रकार से जो अपने 4 सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है जिसमें 600 से 700 पोस्ट उनके अंदर रखी गई है, उस हिसाब से दोस्तों इनके अंदर भी बहुत ही बड़ी भर्ती आपकी आने वाली है। मान लीजिए आपके 3 से 4 हज़ार तो कम से कम भर्ती है ही है, लेकिन ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन इतनी आप मान के चलिए क्योंकि एम्स के अंदर इतनी वैकेंसी तो है, क्योंकि 4-5 ऐसे भी एम्स हैं जिनकी ओपनिंग होना बाकी है या फिर जिनकी ओपनिंग हो चुकी है अभी, उनको न्यू रिक्रूटमेंट अभी जस्ट वो ओपन ही हुए हैं, तो भर्ती तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी रहने वाली है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस करके रखें ताकि और भी कोई अपडेट आती है तो हम आपको यहाँ पे दे सकें। दोस्तों यहाँ पे 80-20 का रहेगा, 80% सीट रिजर्व है फीमेल के लिए, 20% फॉर मेल्स, ठीक है। और जो मैं आपको बता चुका हूँ 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का यहाँ पे एग्जाम होगा और 18 एम्स का अभी इन्होंने साइट पे दिया नहीं है, मैं वही इनका साइट पे देख रहा था तो अभी तक तो नहीं दिया है दोस्तों। जैसे ही देता है हम आपको एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के चैनल के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपको दोस्तों ये चीज़ें फीस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 3,000 और 2,500 इसके अंदर ये फीस रखी गई, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एज की बात करें जनरल कैटेगरी 30 साल मैक्सिमम यहाँ पे रखी गई है। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा आपका 20 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम होगा। और जो ये 4 हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो आपके जो है नोट सेट के द्वारा ही आपको अप्लाई करना है, यानी इसी के अंदर आपका अप्लाई होगा, अप्लाई सीधा ये जो नोट सेट की साइट है इसी से अप्लाई होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा करके लॉग इन, सब सेम ही है, कुछ करना एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखिए 30 तारीख इसकी लास्ट डेट दे रखी है और यहाँ पे ये एज का क्राइटेरिया जिसके अंदर छूट दे रखी है SC ST की, और ये तो सबको आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। और ये जो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको जो है एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे ये देख सकते हैं, लेकिन एम्स में जो काम कर रहे हैं उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। उन्हीं कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया गया है जो एम्स के अलावा कहीं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रखी है क्लियरली। ओके देखिए एम्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। और अब चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको जब आप अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर ले लें यदि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या PSC के अंदर काम कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के पैटर्न की अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर आपका इस प्रकार से होगा जिसके अंदर 180 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों, और आप जानना चाहते हैं कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो तो अपना यूट्यूब ओपन करना और उसमें सर्च करना, क्या सर्च करना दोस्तों, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। देखिए मैं आपको सर्च करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको यूट्यूब पे जाना है हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग इन नोट सेट, ठीक है, इतना सा आप टाइप करेंगे तो आपको जो है वीडियो आ जाएंगे एम्स नोट से रिलेटेड। देखिए ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर आप अच्छे से देखेंगे तो इसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है, आप इसको वीडियो को देखना, मज़ा आ जाएगा आपको वीडियो देख के, ठीक है। ये तो हो गई नेगेटिव मार्किंग के, ये क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है 50% UREWS के लिए, 40% OBC के लिए और 40% SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों ये गाइडलाइन दे रखी है और आपकी स्पेशली आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी जो फ़ोटो के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, बैकग्राउंड फ़ोटो का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और भी यहाँ पे आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। अब अपन चलते हैं नीचे की तरफ दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपको यदि इसमें और भी कोई डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पे इस पे कॉल या फिर यहाँ से
मेल के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए यहाँ पे। तो ये थी आज तक की अपडेट, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? यदि वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना, धन्यवाद।